हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग कैसे हो। मुझे आशा है कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ स्पेशली टाइम्स रिलेटेड, यानी आप टाइम्स रिलेटेड कैसे डिस्कस करते हो। जैसे आप हिंदी में, भोजपुरी में आप पूछते हो कि समय क्या हुआ, या किसी को बताना हो टाइम, सो उस वक्त आप हिंदी में बोलते हो, भोजपुरी में बोलते हो। बट आपकी इच्छा है कि मैं इंग्लिश में बताऊं, या इंग्लिश में टॉकिंग करना चाहते हो, इंग्लिश में बताना चाहते हो किसी को टाइम्स रिलेटेड, सो आज इसी पर पूरा वीडियो इसी पर है। और इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, मैं समझता हूं कि आज पूरा क्लियर हो जाएगा, एकदम बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और जब कोई आपसे पूछेगा या आप किसी से पूछोगे तो कैसे इंग्लिश में पूछोगे, आप किसी को कोई इंग्लिश में पूछ रहा है तो कैसे बताओगे इंग्लिश से रिलेटेड, यानी इंग्लिश में कैसे बताओगे टाइम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट करता हूं, आपका ज्यादा समय न लेता हूं। सबसे पहले सिंपल तरीके से समझते हैं कि अगर 8 बजा है या 7 बजा है, 9 बजा है, तो आप कोई भी पूछता है कि समय कितना हुआ, तो आप कहते हो 9 बज गया या 9 बज रहा है, तो उस वक्त इंग्लिश में क्या बोलोगे। आप बोलोगे इट्स नाइन ओ क्लॉक। 7 बजा है तो इट्स 7 ओ क्लॉक। वैसे अगर रिटेन करोगे तो आप बताओगे, अगर रिटेन में बताना चाहोगे तो आप बोलोगे इट इज नाइन ओ क्लॉक। बट स्पोकन कर रहे हो सो उस वक्त बोलोगे इट्स 9 ओ क्लॉक। ये सिंपल 7 8 5 6 1 2 अगर ऐसे बताना तो आपको इस तरीके से बता सकते हो। चलिए नेक्स्ट, अगर 8:15 हो रहा है या 9:15 7:15 5:15 हो रहा है, तो आप कोई भी पूछता है हिंदी में तो आप बता देते हो कि हाँ 7:15 हो रहा है, 5:15 हो रहा है, 6:15 हो रहा है, 8:15 हो रहा है, बट इंग्लिश में कैसे बताओगे। सो आप सिंपल तरीके से ये जान लो, आप उसे फ्लुएंटली और विदाउट टेकिंग टाइम्स, यानी समय बिना समय लिए हुए आप जल्दी से जल्द या फास्टली आप उसे बता पाओगे। 8:15 को क्या बोलोगे, 8:15। क्वार्टर पास्ट नाइन, यानी पास्ट का मतलब होता है बज रहा है या होता है या हो रहा है, पास्ट का मतलब। सो 8:15 9:15 10:11 को आप इस तरीके के आप बोल सकते हो या बता सकते हो। 10:15 जैसे 10:15। ओके, अब नेक्स्ट, जैसे अगर 8:30 हो रहा है, 9:30 हो रहा है, 10:30 हो रहा है, 11:30 हो रहा है, तो आप किस तरीके से बताओगे। सो आप बताओगे 9:30, 10:30, 11:30, इस तरीके का, यानी 10:30 के बाद आप जो बोलना चाहते हो, जो टाइम हो रहा है उसको रख दो, तो हो जाएगा 8:30 का प्रक्रिया। सो ये गुड टेक्निक्स है। अब उसके बाद अगर 9:45 की बात आए, क्योंकि अक्सर लोग पूछते हैं कि कितना टाइम रहता है, 9:45 हो रहा है, 8:15 हो रहा है, 10:10 हो रहा है, तो आप उसको कैसे बोलोगे। तो 9:45 के लिए हम लगाते हैं 2:15। क्या लगाएंगे, 2:15। सो ये इसे जो है आप स्पीकिंग में डाल सकते हो और स्पीकिंग में अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर सकते हो, सो हेल्पफुल होगा 2:15 का। जैसे 9:45 बज रहा है, 9:45 हो रहा है, सो क्या बोलोगे, 9:15, 7:15, 7:15, 6:15, 6:15, 5:15, 5:15। 2 का मतलब होता है इसमें बाकी है, यानी कम है। ओके, सो अब जैसे मान लीजिए अगर समय हो रहा है, लोग कहते हैं कि 10 बजे में 5 मिनट कम है, तो आप क्या बोलोगे, 5:10, यानी 2 मिस कम है या बाकी है, 5 मिनट बाकी है, किसमें, 10 बजे में। सो आप इस तरीके से आप स्पीकिंग कर लोगे। ओके, अब जैसे मान लो कि 10:12 हुआ, 10:10 हुआ, 10:05 हुआ, तो आप 5 मिनट, 10 मिनट, 12 मिनट, 11 मिनट के लिए आप क्या कहोगे, तो आप इस तरीके से बोलोगे। जैसे मान लो 10:12 हो गया, तो आप क्या बोलोगे, इट्स 10 ओ क्लॉक 12 मिनट।
दस बज के 25 मिनट हो गया तो क्या बोलोगे, 7 बज के 25 मिनट हो गया तो क्या बोलोगे, अगर 7 बज के बोलना चाहो 7 बज के 25 मिनट हो गया तो इट्स ओ क्लॉक, इट्स 7 ओ क्लॉक, इट्स 7 ओ क्लॉक 25 मिनट। सो मुझे आशा है कि आप इस तरीके का, अगर आपको घड़ी देखने आता है और इंग्लिश में बोलना चाहते हो, इंग्लिश में टाइम बताना चाहते हो, इंग्लिश में पूछना चाहते हो, सो व्हाट्स टाइम इस तरीके से क्वेश्चन करोगे तो आप वो जवाब दे सकते हैं, या वो वही पूछ दिया व्हाट्स टाइम, व्हाट इज टाइम, तो आप यहाँ इस तरीके का इंग्लिश स्पीकिंग करोगे या इस तरीके से आप इंग्लिश में बताओगे। सो आई होप यह आपको हेल्पफुल हुआ होगा वीडियो। सो प्लीज़ लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।